हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि हम एडोब फोटोशॉप का यूटिलाइजेशन करके किस तरीके से फ़ोटो की पूरी डायनामिक्स चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए, आप मेरे पास ये सिंपल सा फ़ोटो था जिसमें मैंने सनसेट इफ़ेक्ट डाला और सन भी डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ोटो में थोड़ा सा डायनामिक थोड़ा सा और अच्छा दिखने में हो गया। अब आप इसे किस लेवल पर कर सकते हैं, आप शायद बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि ये इफ़ेक्ट कैसे आता है। देखिए, आपने मान लीजिए फ़ोटो है, ठीक है। सबसे पहले F7 दबा के लेयर का बॉक्स ले आइए, ठीक है। लेयर में आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन है। इसमें आप जाइए कलर लुकअप पर। कलर लुकअप पर आप गए तो एक लेयर और बना लेगा ये, और ऊपर एक ऑप्शन आएगा कलर लुकअप। इसमें 3D लुट फाइल में आप जाएंगे, इसमें जाइए आप लेट सनसेट 3D, ये देखिए। अब ऑटोमेटिकली ये कलर की एक लेयर इसके ऊपर बन गई है, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर बन गई है जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस लेयर ये फॉर्म हो चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सनसेट इफेक्ट तो अभी आ ही चुका है इसमें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, ये तो था सनसेट जो कलर लुकअप आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सन भी हो, तो आप किस तरीके से उसे कर सकते हैं। आप फिर से क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर में जाइए, लेयर के बॉक्स के नीचे एक ऑप्शन रहता है, उसमें उस पर क्लिक करिए, ग्रेडियंट्स ले आइए। ग्रेडियंट्स आप जैसे लाएंगे, ये एक बॉक्स खुलेगा ग्रेडियंट फिल का, इस पर क्लिक करिए। इस पर ये वाले ऑप्शन पे आप रीसेट पे जाइए ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए ये कलर आ जाएगा नीचे, ये ब्लैक कलर है। इस कलर को हमको वाइट करना है। पहले तो आप यहाँ पर, पहले एक चीज़ भूल गया था मैं, ग्रेडियंट फिल में आप जब जाएंगे तो लेयर स्टाइल में आप रेडियल कर दीजिए। तो इस तरीका से एक सर्कल, क्योंकि सन सर्कुलर होता है इसलिए हमें रेडियल फिल करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे वापस से ग्रेडियंट में, यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद ये कलर हमारे पास वाइट ले लेंगे, ठीक है। वाइट लेकर हम थोड़ा सा आगे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोकेशन दे देते हैं 30, अराउंड 30, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कुलर एक वाइटनेस आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें बीच में वाइट है, ठीक है। हमें इसमें चाहिए थोड़ा सा येल्लो टोन, ठीक है। सो हम यहाँ पर देखिए एक कलर का, यहाँ पे कलर चूज़ करिए FCE39F, समथिंग येल्लो टोन हमें मिलेगा, इसे ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर ले लीजिए आप अराउंड 35, ठीक है। यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए इसे आप यहाँ ले गए, ठीक है। ये हमारे पास 60 पर लेके गए। इसमें जो कलर हमने डालना है वो हम यहाँ से डालते हैं, डालिए FB9476, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि सन का जो कलर ग्रेजुएंट में सूटेबल रहेगा वो डाल सकते हैं, उसे ओके करिए, ठीक है। और इसे यहाँ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप डाल दीजिए ग्रे या ब्लैक, ग्रे डाल दीजिए 838383, ये लीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से ये डल गया। अब आप यहाँ पर ऊपर आइए और यहाँ पर इसे ओपेसिटी को कर दीजिए 10, 20 या 20, ठीक है। 20 आपने रख दी, 20 आपने ओपेसिटी रख दी, ठीक है। अभी इसे ओके कर दीजिए, ऊपर ले लीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि हल्का सा बॉल ऊपर बन गया है, ठीक है। अभी मैं इसमें यहाँ पर से थोड़ा सा येलो टोन लेना चाहता हूँ, हल्का सा
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सन जैसा कुछ क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निपुण होंगे। यहाँ से हम एंगल चेंज करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं, स्केल से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए आप कितना स्केल पर्टिकुलर आपको चाहिए, अगर आपको छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एक सिंपल से फ़ोटो में सन डाल सकते हैं।